3 to 4 days. एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ दैट दिस फुल वीक हैज़ गॉन द मोस्ट डाउनवर्ड वीक ऑफ माई होल सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. नॉट यस, दिस वीक हैज़ बीन द मोस्ट डाउनवर्ड वीक ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ बट स्टिल आई फील समथिंग डिफरेंट. मुझे प्रॉब्लम आ रही है एंड दिस इज प्रॉबेबली हैपनिंग विथ यू. यू फील डिप्रेस्ड एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम फीलिंग द सेम. राइट, मेरी आवाज़ सुन के पता चल गया होगा आई एम फीलिंग द सेम. एंड आई नो द पाथ कि मुझे क्या करना है जिससे कि मैं आगे डिप्रेस ना रह सकूं. आई नो इट बट आई एम नॉट डूइंग एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई डिजर्व इट. बिकॉज समटाइम्स वेन यू प्रोग्रेस सो मच एंड समटाइम्स एक बार ऐसा पाथ आता है जहाँ पे तुम नीचे गिरते हो ना, तुम्हें सेल्फ डाउट आते हैं सबसे पहली बात तो, बिकॉज यू आर सराउंडेड विथ डिज़ायर्स. जस्ट थिंक, यू आर सराउंडेड विथ डिज़ायर्स. मुझे ये वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था बिकॉज मैं सोच रहा था दैट मैं वीडियो बनाऊँ या फिर एडिटिंग करूँ, बिकॉज नाउअडेज पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स. एंड मुझे भी वही प्रॉब्लम आई जहाँ पर मुझे डिज़ायर्स आ रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊँ या फिर मैं एडिटिंग अच्छे से करूँ या फिर मैं थंबनेल पे अच्छे से ध्यान दूँ या फिर मैं क्वालिटी अच्छी दूँ या फिर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँ. ये इधर उधर हो रहा है एंड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज सेल्फ डाउट. यस, इट्स सेल्फ डाउट. मेरा फेस का ग्लो चले गया सेल्फ डाउट की वजह से. आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पास्ट वीक. मेरा मोमेंटम चला गया है सारा कुछ बिकॉज सेल्फ डाउट आ रहा है. आई हैव बीन लाइक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिकॉज मैं जो करने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. एंड मैं कह सकता हूँ दैट प्रॉबेबली मेरा प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउटिंग लग रहा है मुझे. एंड द थिंग इज इसकी वजह से मैं ना काम कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम फीलिंग दैट टाइप ऑफ पाथ अगेन जो कि मोटा था एंड खुद को फेलियर कहता था. बट दिस टाइम वी नो दैट वॉट वी हैव टू डू. बस मुझे वो एक चीज़ का डर लग रहा है दैट क्या ये चीज़ काम करेगी. दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग जो कि मुझे पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा मेरे अंदर से, बिकॉज ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है. एंड यू कैन फील दिस राइट नाउ. आई डोंट नो तुम किस चीज़ में फील कर रहे हो बट यस, ऐसा टाइम आता है जहाँ पे तुम्हें वो सेल्फ डाउट आता है, तुम किसी को बता नहीं पाते हो बिकॉज इट फील शेमफुल. यस, मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों को बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस विथ यू. यस, दिस इज़ द ओनली थिंग. मैं इतना ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, ये मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताया, मेरे मम्मी पापा को तो बताया नहीं है, बट ये चीज़ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई नो फ्यूचर में ये वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मुझे वो चीज़ बतानी है दैट अभी मैं जिस सेल्फ डाउट की चीज़ में फंसा हुआ हूँ ऐसे लाखों करोड़ों लोग फंसे होंगे. एंड दिस वीडियो विल बी द मैसेज जहाँ पे वो देखेंगे दैट सेल्फ डाउट
जब हट जाता है तब वंडर्स होते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू मैं क्या करने वाला हूँ। वो बहुत बड़ा प्लान है, इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव था थोड़ा सा खुल जाना एंड बताना आपको दैट मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, बिकॉज मेरे पास रीज़न है। आई एम नॉट गोना से यू दैट आई एम जस्ट डिप्रेस्ड, नहीं, मैं डिप्रेस्ड हूँ बिकॉज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मैं डिजर्व करता हूँ डिप्रेस होने के लिए। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट, आई एम जस्ट स्लीपिंग, आई एम जस्ट ईटिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट, लॉट्स ऑफ अनक्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब प्लान भी बनाया मैंने, बट जब लोगों के डिज़ायर आते हैं, लाइक आपके सामने एक चीज़ आती है दैट हाँ मैं ये करना कर रहा हूँ, आगे इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं ये कर रहे हैं, तो तुम्हें वो करने का मन करता है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम तुम उसे तोड़ देते हो, बट वो डिज़ायर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है दैट वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाता है। ना मेरा एग्जाम्पल ले लूँ तो मुझे ये डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन बनाने में दैट मैं वीडियोस एडिटिंग करूँ या फिर वैल्यू प्रोवाइड करने पर ध्यान दूँ। मुझे इन दो चीज़ों में डिफरेंस का समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज पहली बात तो दोनों में मुझे रिजल्ट्स नहीं आया है। आई हैवन बीन ग्राइंडिंग ऑन यूट्यूब मच, मैं यूट्यूब पे उतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है दैट मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी वही गोल बना रहा हूँ दैट मुझे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है जिस पे मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। आई एम कंसिस्टेंट अ फक, मैं ऐसा दिखता था एंड अभी ऐसा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा मोटा था, आई एम नाउ प्रिटी लीन, आई एम ओवर 100 days एंड आई एम श्रेडेड, नॉट श्रेडेड बट येस आई एम लुकिंग एस्थेटिक, आई एम लुकिंग, आई हैड इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, सिंपल एज दैट। बट अब बात पैसों पर आ गई है, पैसों पर और मेरा पर्सनल ब्रांड पर। सो उस चीज़ पे मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड मुझे यही इसकी वजह से सेल्फ डाउट आ रहा है। एंड सेल्फ डाउट आने की वजह से जो चीज़ें सामने दिखती हैं मुझे वो और ज़्यादा खींचती हैं मुझे एंड मैं सब चीज़ों से खींच जाता हूँ एंड मैं बस उन्हें देखते रहता हूँ एंड खुद के काम नहीं कर पा रहा हूँ एंड दिस इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। सो आई होप आई एम गोना चेंज माई सेल्फ, आई एम नॉट होपिंग, फक यू पार्थ, आई एम गोना चेंज माई सेल्फ, आई एम गोना जर्नल, आई एम गोना टेक द रिस्क, आई एम गोना डू समथिंग, आई एम गोना टेक द रिस्क बिकॉज दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा क्लटर है, मुझे उसे हटाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जर्नल करना पड़ेगा। एंड यस, अगर तुम्हारा भी ऐसा हाल है जो यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू आर लेफ्ट बिहाइंड दिस लास्ट वीडियो, इफ़ यू आर फीलिंग दिस, पहली बात तो सेल्फ डाउट निकलता नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया एंड मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ये ट्राई करो आप। सेकेंड चीज़ है जर्नल करो, जर्नल करोगे तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा दैट मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ एंड क्या मैं वो चीज़ गलत कर रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम भी आपको एक पाथ मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी एंड वहाँ से आप प्लान बना सकते हो एंड कुछ चेंजेस ला सकते हो। जर्नलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। थर्ड चीज़, जितना हो सकता है उतना भी सोशल मीडिया कंज्यूम करना बंद कर दो। हाँ, एक दिन के लिए बंद करो एंड देन थोड़ा सा टाइम लो एंड बुक्स पढ़ो, जो अपना गोल है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करो, उस पर जर्नलिंग करो, मतलब खुद पे रिफ्लेक्ट करो, बिकॉज सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है
जहाँ पे तुम्हें हर एक सेकंड में एक नया इंसान मिलता है जो कि अलग अलग चीज़ें कर रहा है, 100 चीज़ें कर रहा है। उसे खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बट वो तुम्हें दिखा रहा है। सो वो पहली बात तो सेल्फ डाउट में है, एंड उसकी वजह से मैं सेल्फ डाउट में आ रहा हूँ। दिस इज़ लिटरली गिविंग मी क्रेविंग्स। अभी मुझे वीडियो बनाते बनाते ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है जो मैं 1 साल से नहीं खा रहा था। आई एम ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई डोंट क्रेव एनी फूड, बट जब मैं डिप्रेशन में आता हूँ तब मुझे खाने का मन करने वाला है। एंड आई एम ब्रोक, आई एम जस्ट 17, दिस इज द शिटीएस्ट लाइन यू कुड से जस्ट टू फक योर सेल्फ। माइंड बहुत काम नहीं कर रहा है। ओनली वन थिंग इज इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन यू आर अ पीस ऑफ शिट, जस्ट दैट्स द थिंग। देर आर लॉट्स ऑफ गाइज अर्निंग मनी सिंस द टीन एज, एंड मैं वो करके दिखाऊंगा। आई हैव दैट ऑरा, आई हैव अचीव मैनी थिंग्स, एंड आई एम गोना फकिंग डू दैट। दिस इज फॉर मी एंड प्रॉबेबली यू। जल्दी से अपना सेल्फ डाउट क्लियर करो, मैंने जो बताया वो करो, एंड ट्राई टू जस्ट टेक द रिस्क। बिकॉज मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दैट टेकिंग एक्शन एंड डूइंग द वन थिंग फॉर इवन 1 मंथ विल इम्प्रूव दैट थिंग इन टू यू। तुम उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे, एंड उस चीज़ को मास्टर जब तुम करोगे तुम उस पर कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड जब उस चीज़ पर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे यू कैन फकिंग सेल दैट। तुम उस चीज़ को प्रोडक्ट बनाओ एंड तुम बेचो। जस्ट पुट द रैप्स इन जर्नल, फाइंड वॉट यू वॉन्ट टू डू, पुट द रैप्स, बिकम कॉन्फिडेंट, सेल दैट शिट। सेल्फ डाउट आ रहा है, पेपर में लिखो, चिपका दो, गोल रखो, 100 दिन के लिए करो, लिख दो कहीं पे दैट मेरे को यही करना है, मुझे इस चीज से नहीं हटना है, मैं ये करके रहूंगा। दैट्स इट, यू हैव टू डू दैट। नॉट गोना सी दैट सब्सक्राइब करो, ये करो, इट्स ऑल ऑन यू। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर पुटिंग द मैसेज दैट यू हैव द पोटेंशियल, आई हैव द पोटेंशियल, वी आर गोना फॉक एवरीवन, एवरी सिंगल सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर, वी आर गोना बी द बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ, एंड वी आर गोना प्रोवाइड द थिंग दैट नो वन गिव्स।